इंदौर में शहीद ज्ञान सिंह परिहार के पुण्यतिथि पर उनके परिवार और समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान घोषणा की गई कि जल्द ही ज्ञान सिंह परिहार की मूर्ति लगवाई जाएगी। ज्ञान सिंह परिहार 5 अक्टूबर 2014 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तभी से क्षेत्रवासियों और समाज के लोगों द्वारा हर बार उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ज्ञान सिंह परिहार के प्रेरणा पाकर ही 300 से अधिक युवा सेना में भर्ती हुए हैं। इंदौर के गौरीनगर इलाके में शहीद ज्ञान सिंह परिहार को उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हमारे बीच के हमारे भाई, हमारे क्षेत्र की शान शहीद लांस नायक ज्ञान सिंह परिहार जी की 6वीं पुण्यतिथि है। 5 अक्टूबर 2014 को पाकिस्तान से बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तान की सेना को जवाब देते हुए वहां पर पुंज में शहीद हुए थे। और आज भी हम 2014 से पहले से हम ये समझते आ रहे थे कि ज्ञान सिंह भाई जैसे हमारे बीच में थे, आज भी ज्ञान सिंह परिहार जी हमारे बीच में या दूसरे युवाओं के बीच में दिल में मौजूद है। और हम हर साल प्रतिवर्ष उनकी 5 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि बनाते हैं। कहीं कभी हम महिलाओं को सिलाई मशीन देते हैं, कभी उनकी शहादत पे हम कवि सम्मेलन कराते हैं, आज हम वृद्धों को फल फ्रूट का वितरण करेंगे उनकी शहादत पे। तो ज्ञान सिंह परिहार जी हमारे बीच में हमेशा अमर रहे हैं। और हम सब युवाओं को जितने भी उनके बीच में एक प्रेरणा स्रोत है कि हमारे क्षेत्र का नाम जैसा ज्ञान सिंह भाई ने किया है रोशन, आज वैसे ही युवा उनको अपने दिल में बसा कर आगे भी सारे युवा यहाँ के लगभग हमारे क्षेत्र से 300 युवा आज भी इंडियन आर्मी के अंदर है और वो सब ज्ञान सिंह परिहार जी को अपने दिल में बसा कर उनको अपना भाई मानकर वो हमेशा उनकी याद में आर्मी में जाने की इच्छा रखते हैं। मुख्यमंत्री परिहार पिता सूरजपाल सिंह परिहार और सभी समाज के व्यक्तिगण यहाँ पे जुड़े हैं, गाँव से आए हुए सभी लोग यहाँ पर हैं। कई बार बड़े बड़े नेताओं जो आज क्षेत्र के विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और सब लोग ये कह के गए थे कि हम इनकी मूर्ति बनाएंगे, मगर मूर्ति के लिए आज तक 5 साल हो गए, कोई भी नेता कभी भी आगे नहीं आए। जब चुनाव आते हैं तो नेता आगे आके कहते हैं कि हम इनकी मूर्ति बनवाएंगे, मगर ज्ञान सिंह जी की मूर्ति आज तक कभी नहीं बन पाई है और ना ही हमें ऐसा लगता है कि कोई नेता या कहीं समाज के द्वारा बन पाएगी। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि राजपूतों द्वारा, परिहार परिवार द्वारा ज्ञान सिंह जी की मूर्ति बनाई जाएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम।